अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 17 रमज़ान आलम इस्लाम का एक अजीम तारीख़ी दिन है कि उसी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़कत 313 ईमान वाले तमाम सहाबा इकराम को बेशुमार अबू जहल की कमांड में आने वाले मुशरिकीन मक्का पर अल्लाह ताला ने मकाम बद्र में फतह अता फरमाई। इसलिए तारीख़ इस्लाम में 17 रमज़ान फतेह बद्र का दिन है। हर मोमिन को 17 रमज़ान की अहमियत को समझना चाहिए कि इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम बद्र में मुशरिकीन मक्का पर बहुत बड़ी फतह अता फरमाई और उसी तारीख़ में सैयदा तैयबा बीबी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, जो सारी कायनात के मोमिनों की माँ है और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा हैं, उनकी विसाल का दिन है। लिहाजा मैं रफ़ीक आलम हुसैनी बारगाह ख्वाजा कुतुब आलम जलालाबाद शरीफ, तमाम वो हजरात जो जलालाबाद शरीफ दरगाह कुतुब आलम से निस्बत रखते हैं और तमाम अहले निस्बत, अहले यकीन, अहले सिलसिला और तमाम वो हजरात जो सहाबा इकराम का अदब और एहतराम करते हैं और अहले बैत पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो हजरात बद्र के शहदा के लिए और बीबी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के लिए नज़र और नियाज का एहतमाम करते रहें ताकि आप और आपकी आने वाली नस्लें हमारे इस्लाम की ये तारीख़ी वाक़ियात को याद रखें, इस्लाम की इस तारीख को याद रखें, सहाबा इकराम की कुर्बानी को याद रखें, कायनात के मोमिनों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीका को याद रखें। याद रखें कि जो इंसान अपने माजी को, अपने असलाफ को याद रखता है वो कभी नहीं मिटता और वो कौम कभी ज़िंदा नहीं रह सकती जो अपने असलाफ और अपने बुज़ुर्गों को